मसूरी और एक्साइटी मसी डॉट कॉम की जानब से आज आप लोगों के लिए एक नया ट्यूटोरियल लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ब्लॉगर की जो खुलासा वो स्टार्ट है। आज के हमारे ब्लॉगर की खुलासा जो कॉन्टेंट है वो मैं आपको बताता जाना। सबसे पहला कॉन्टेंट है कि हम अपने ब्लॉग के लिए एक लोगो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक लोगो क्रिएट किया है और इसको हम हेडर पर किस तरह लगा सकते हैं। सेकेंड ये कि हम एक बैनर जो है वो किस तरह लगा सकते हैं अपने ब्लॉगर के हेडर पर, जिस तरह ये मैंने लगाया हुआ है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है लोगो बनाना या बैनर जो है वो ऐड करना। इसको मैं आपको बता देता हूँ आपको ब्लॉगर के लिए, आप ब्लॉगर के लिए लोगो किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप गूगल इमेजेस पर जाकर इमेज सर्च करें जिसके रिलेटेड आपका ब्लॉग है। अगर आपका ब्लॉग लर्निंग से रिलेटेड है तो आप इधर से लर्निंग की चीज सर्च करें। अगर आपका ब्लॉग जो है वो किसी और चीज से रिलेटेड है, फनी कोई और ब्लॉग है आपका, तो आप उसके रिलेटेड सर्च करें। जैसे मेरा ब्लॉग जो है वो लर्निंग से रिलेटेड है, इसलिए मैं इधर सर्च करता हूँ लर्निंग पिक्स। और आपने जो भी पिक्स लेनी है वो PNG में हो। इसके लिए आप अपने पिक्स की हेडिंग लिखें, उसके एंड पे लिखें PNG। आपके पास इधर से इमेज आ जाएंगी, जैसे आप कोई भी इमेज सर्च कर लें, जैसे आप कोई भी इमेज को ओपन कर लें और इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप अडोब फोटोशॉप को ओपन करें। फाइल पर क्लिक करके न्यू पर क्लिक करें और इधर से विड्थ और हाइट सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करें। उसके बाद फाइल पर क्लिक करें अगेन और प्लेस पर क्लिक करें। हमने जो इमेज जोड़ना चाहिए है उसको इंसर्ट करें इसमें। उसके बाद आपने जो आपका ब्लॉगर का टाइटल है आपने इधर वो लिखना है, जैसे हमारे ब्लॉगर का टाइटल है एक्साइटिंग मस्ती। इसी के साथ अपने जो टाइटल है उसको निकाल दें। इस पर राइट क्लिक करें और ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाए। इधर से आप इस टेक्स्ट की डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करने के लिए कलर ओवरले पर क्लिक करें और जिस कलर का आपका ब्लॉग है उसी कलर का टेक्स्ट इधर से सिलेक्ट करें। उसके बाद स्ट्रोक पे क्लिक करें। अगर आप स्ट्रोक ऐड करना चाहते हैं तो इधर से स्ट्रोक को ऐड कर लें। उसके बाद आप अपने ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन इधर ऐड करें या जो टैगलाइन है वो इधर ऐड करें। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद इसको सेट करें इसके नीचे टाइटल के नीचे और अगेन इस पर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएं। कलर ओवर ले पे क्लिक करके इसको कलर सेलेक्ट कर लें।
इस तरह का हमने ये फ्लो को बना फ्लो को बनाया था। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे एक कलर ऐड हुआ है, इस तरह का ब्लो करके फेविकोल का कलर है। आप देखना जिस तरह के आपके ब्लॉगर की डिजाइनिंग है उस तरह का कलर ऐड कर लें। अगर आपने स्ट्रोक रखना है तो स्ट्रोक रख लें, और अगर टेक्स्ट चेंज करना है आपने का एक जो है लोगो वो क्रिएट हो गया है। आपने फिर देखेंगे कि ये बैकग्राउंड की लेयर क्रिएट हुई है। आपने इस पर डबल क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। अब आपने अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है और फाइल पर आके सेव एज पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर से आपने जिस फाइल उसके बाद इधर से आपने PNG को सिलेक्ट करना है और इसका टाइटल है, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। आपका जो है वो लोगो क्रिएट हो गया है। अब इसको ऐड किस तरह करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि ब्लॉगर की जितनी भी सेटिंग होती है वो लेआउट में आती होती है, इसलिए आपने लेआउट में आना है और इधर हेडर पे एडिट करना है आपने। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इधर आपने सबसे पहले ब्लॉग का टाइटल और ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन देनी है। उस फाइल पर क्लिक करके आपने जो लोगो बनाया है उसको सिलेक्ट करें और इधर से नंबर 2 ऑप्शन पे क्लिक करें, चिप द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, और सेव पे क्लिक कर लें। अगेन इधर से सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करें और व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जिस ब्लॉग को हमने बनाया था वो ऐड हो गया है। इसी तरह आप बैनर को ऐड करने के लिए आप इधर ये सामने मैंने पहले बैनर ऐड किया होगा, इसको मैं ऐड करता हूँ। फिर आप इधर आपकी ऑप्शन शो हो रही होगी ऐड गैजेट, आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद टाइटल देना है, कैप्शन, और आपने इधर से लिंक में जाना है। आप अपना बैनर को अच्छा सा क्रिएट कर लें फोटोशॉप में और उसको अपलोड करके सेव पे क्लिक कर दें। उसके बाद अगेन सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करें और व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि बैनर लग जाएगा। ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक का पेज ज्वाइन करें, facebook.com/xitmasti, और अपने तमाम फ्रेंड्स को इनवाइट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी सर्विस से इस्तेमाल हासिल कर सकें।